नमस्कार, इंडिया ट्रैप न्यूज में आपका स्वागत है। यूपी के बलिया के मनियर में एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जहां वीडियो में एक व्यक्ति पूर्व प्रधान का पैर धोते दिखाई दे रहा है और पैर का धुला हुआ पानी पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब वीडियो की पड़ताल हुई तो मामला मनियर थाना क्षेत्र के विष्णुपुरा गाँव का बताया जा रहा है, जो विष्णुपुरा गाँव के प्रधान श्रीनिवास मिश्रा का है। उसी गांव के राजेश नाम का युवक बताया जा रहा है। पूर्व प्रधान श्रीनिवास मिश्रा ने बताया कि मैं वर्ष 1985 से नवरात्रि का व्रत रखता हूं। व्रत के दौरान मैं अन्न ग्रहण नहीं करता हूं। रोज सुबह 4 बजे दुर्गा सप्तमी का पाठ करता हूं। इसी धार्मिक प्रवृत्ति वजह मना करने पर भी उन्होंने मेरे पैर धोकर पिए। वहीं उस युवक राजेश ने बताया कि ये मेरे महाराज जी हैं और हमारे घर के पूजनीय हैं और ये दुर्गा माता के भक्त हैं और मंदिर से पूजा करके आने के बाद मैं इनके पैर पखारता हूं, जिसको कुछ लोग व्हाट्सएप एवं फेसबुक पर वायरल कर रहे हैं, जो कि एक निंदनीय है। राजेश, देखो वीडियो वायरल होता क्योंकि पैर धो के पिए के तहत पूरा मामला का बताओ। बाबा हमारे 9 दिन व्रत रहेगी, आप मंदिर से लेके वहाँ दुर्गा जी के आवे नहीं, उनका गोद धोए नहीं, उनका चरण पिए नहीं। हम हमारे गुरु जी हैं, हमारा घर के हमारा गुरु जी हमारा है। और बस आके दबाव हम लिखी हैं, मना कर बाबा मत करो, तब हम कहीं ना बाबा रोबा का चरण हम पिए, हम रोबा का चरण पिए में हमारा पूरा हमारा हमारा संसार में पूरा दुनिया में हमारा शोर रही हमारा बाबा के हम गोल चरण पिए। नाम से बताए। श्रीनिवास मिश्र, पूर्व प्रधान किशनपुरा। ऐसा है जी कि हर साल नवरात्रन में, असल में चूंकि हम 85 से नवरात्रन भुगतते हैं, दोनों नवरात्रन भुगतते हैं, और वह लड़का जो है हमारे परिवार से संबंधित रहता है, हमारे यहाँ आना जाना सब कुछ रहता है, और इतना हमको गुरुजी जैसा हमेशा गुरुजी कहता रहता है। अब उसी में कल जो हम आए और उसके बाद से आकर के लोटा लेकर के पानी, ए बाबा ए महाराज जी रुकी हम गोड़ धो, हम रुक रहे थे लेकिन कहा जी ना, हम जब गोड़ नहीं धोआएंगे तो हम बुझिए जी कि हम समझ रहे जी कि आप हमसे नाराज हैं, और गोड़ धोवा देंगे तो उसके बाद से हम उसका पंचामृत लेते हैं तो हम लोग सोचते हैं जी कि दुर्गा जी से आप भक्त हैं, हमारी भी परिवार का कल्याण हो जाएगा। अब चूंकि इसको लोग राजनीति के लोग अब दूसरे हिसाब से देखते हैं, और हम लोग खुद हैं जो कि भारतीय संस्कृति है, जो हम लोग हमारे पहाड़ी महाराज जी हैं आते हैं तो उनका चरण पखारा जाता है, चरण पखार करके उसको टीका किया जाता है। इस तरह से ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि वो किसी के दबाव में किसी के बात में, ये चर्चा का विषय रहता है। एक बार हमारे मोदी जी ने जब सफाई कर्मी का चरण जब धोए थे तो इसी बात कुछ लोग अनाप शनाप करते हैं, हर आदमी अपनी प्रतिभा, हर आदमी अपनी सुख समृद्धि के लिए करता है, तो हमको महाराज जी गुरु समझ करके ऐसा वो लड़का किया। उसमें नहीं कोई बात, हमको बार बार कह रहे थे जैसा करना उचित नहीं है और तुम इसी तरह से दंड प्रणाम करो, वो भी बाहर से प्रणाम करो, लेकिन वो नहीं, पैर पकड़ के बैठ गया, लोटा का पान लेकर गया, तो हम किसी को उस तरह से डांट भी नहीं सकते हैं, उसको भगा भी नहीं सकते हैं। और इसमें कोई राजनीतिक पार्टी अगर कुछ किया है तो इसमें कोई तथ्य नहीं है, ये यही बात।